सेना ने नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर कोविड टीकाकरण किया। पुंछ जिला की मैंडर सब डिवीजन के नियंत्रण रेखा पर सटे गांव मनकोट के साथ लगने वाले दूरदराज ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें सागरा, मनकोट, गानी जैसे दर्जनों गाँव के लोगों ने जहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया और चिकित्सा जाँच करवाई, वही कोविड वैक्सीन भी करवाई। इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस चिकित्सा शिविर का उद्देश्य दूरदराज गांवों के लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करनी है। इन दूरदराज इलाके के ग्रामीणों को चिकित्सा की परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए इस इलाके में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अब मैं वैक्सीनेशन टीम के मल्टीपर्पज सरपंच मनकोट लोवर इत्थे आई मेडिकल कैंप कन्नर जड़ी साड़ी यूनिटी आरटी जिसी आने एटलरी उन्होंने एक कैंप मेडिकल कैंप लाया जिसने वास्ते पूरे गांव मनकोट नाड़ मनकोट उपर मनकोट सागरा अछाद छिजला नी पूरी आवाम इत्थे आई नी और इंशाल्लाह लेडीज जेंट्स सब इत्थे आई नी जिसका मेडिकल ना बहुत बड़ा फायदा आ। इन्होंने वैक्सीन जिस अगर फर्स्ट डोज नहीं लवाई नहीं उसकी भी लगसी, जिस फर्स्ट लवाई नहीं सैकंड आ उसकी भी लगसी। आर्मी बहुत बड़ा आर्मी और सिविल ना बड़ा आपस से तालमेल आ। मैं तुसा मीडिया हजरात ना बहुत बड़ा शुक्र गुजार हाँ कि तुस अपना कीमती वक्त गजा निकाली दा इत्थे असां ही अछने और साड़ी आवाज उपर तक पहुँचाने हो। तो आर्मी बहुत बड़े काम करनी, इसके अलावा भी आर्मी लोगों की सद्भावना ने तहत पानी देनी रोड़ा बनानी। आज भी बहुत बड़ा सीओ साहब ने शुक्र गुजार है कि इसकी बात कोई अगर सेना का जो ये मेडिकल कैंप जो कैंप लगाते हैं जगह जगह में हर गांव में बिलखसूस मेरे ब्लॉक में मेरी इस तहसील में ये कैंप किया गया। उसके अलावा इस चीज़ का भी मैं मेडिकल कैंप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बॉर्डर पर सबसे बड़ी समस्या पानी बिजली और रोडों की है। जिस देखो इस इलाके में 1965 में 1971 में इन लोगों ने अपनी जानें कीमती निशावर की, लेकिन शहीद औरंगजेब ने भी अपनी जान निशावर की। उसके नाम पे हम चाहते हैं इस मनकोट ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज बना जाए जिसमें हमारे इस मनकोट ब्लॉक का इसका नाम ऊंचा हो, रोशन हो।